श्री रामचरित मानस में काक भुसुंडी कौन था और इनका यह नाम किसके श्राप के कारण और क्यों पड़ा। जी हाँ दर्शकों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं काक भुसुंडी जी के बारे में। काक भुसुंडी जी कौन है और इनका यह नाम किस कारण से पड़ा, आइए जानते हैं दर्शकों काक भुसुंडी की इस कथा के बारे में। उससे पहले दर्शकों आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए रोज़ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दर्शकों बात करते हैं काक भुसुंडी जी के बारे में। पूर्व के एक कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उसी समय काक भुसुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ। उस जन्म में वह भगवान शिव के भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वह उज्जैन चले गए। वहां वह एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहने लगे। वह ब्राह्मण भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु वह ब्राह्मण भगवान विष्णु की निंदा कभी नहीं करते थे, तथा उन्होंने उस शूद्र को शिव जी का मंत्र दिया। मंत्र पाकर उसका अभिमान और भी बढ़ गया। वह अन्य द्विजों से ईर्ष्या और भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। उसके इस व्यवहार से उनके गुरु और उनके वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर उसे श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया करते थे। एक बार उस शूद्र ने भगवान शंकर के मंदिर में अपने गुरु अर्थात जिस ब्राह्मण के साथ वह रहता था उन्हीं का अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने उसे आकाशवाणी करते हुए एक श्राप दे दिया कि रे पापी, तूने गुरु का अनादर किया है, इसलिए तू सर्प की अधर्म योनि में चला जा और सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़ेगा। गुरु बहुत दयालु थे, इसीलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति के अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की शिव जी से। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा कि हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य लेना पड़ेगा, किंतु जन्मे और मरने में जो दुख और कष्ट होता है वह इसे नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा, जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ ना होगा और इसकी सर्वत्र अबाधिक गति होगी। मेरी कृपा से भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके पश्चात उस शूद्र ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त किया। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वह जो भी शरीर धारण करता था उसे बिना कष्ट के सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे कि मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, तथा प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी। श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई थी, तथा अंतिम शरीर उसने ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण हो जाने पर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए वह लोमस ऋषि के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमस ऋषि ने उसे श्राप दिया कि जा, तू चांडाल पक्षी कौवा हो गया है जो हमेशा हर बात को कौ कौ करके पूछता है। और वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के पश्चात लोमस ऋषि को अपने इस श्राप का पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुला लिया और राम मंत्र दिया और इसके साथ साथ इच्छा मृत्यु का भी वरदान दे दिया। कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वह कौवे के रूप में ही रहने लगे और बाद में और अभी तक वह काक भुसुंडी के नाम से विख्यात हुए। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखा है कि काक भुसुंडी परम ज्ञानी भक्त हैं श्री राम भगवान के। रावण के पुत्र मेघनाथ ने राम से युद्ध करते हुए राम को नागपांच से बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुण, जो कि सर्वबच्छी थे, ने नागपांच के समस्त नागों को प्रताड़ित कर श्री राम भगवान को नागपांच के बंधन से छुड़ाया। राम के इस तरह से नागपांच में बंध जाने पर राम के परम ब्रह्मा होने पर गरुण को संदेह हो गया। गरुण का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि तुम्हारा संदेह
भगवान शंकर ही दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने भी उनका संदेह मिटाने के लिए काग भुसुंडी जी के पास भेज दिया और अंत में काग भुसुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुण के संदेह को दूर किया। गरुण के संदेह को समाप्त हो जाने के पश्चात काग भुसुंडी जी गरुण को स्वयं की कथा सुनाया, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इनका जन्म कहाँ और कैसे हुआ था। तो दर्शकों, ये थे काग भुसुंडी जी, जिनका जिक्र आप रामायण में और रामचरितमानस में या फिर तुलसीदास जी के रामचरितमानस में उत्तराखंड में पढ़ सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी काग भुसुंडी जी की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।